राजस्थान में कोरोना अपने अंत की ओर बढ़ता दिख रहा है, इसका साफ इशारा करते हैं वहां मिले पिछले 24 घंटे में केस। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 193 नए मामले सोमवार को आए, इससे अब तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 316,845 हो गई है। वहीं राज्य में संक्रमण से 2 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में संक्रमण से कुल मरने वालों की संख्या 2,760 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम 6 बजे तक के बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से और 2 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक जयपुर में 514, जोधपुर में 301, अजमेर में 221, कोटा में 169, बीकानेर में 167, भरतपुर में 120, उदयपुर में 115, पाली में 109 और सीकर में 100 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान राज्य में 370 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हुए, इससे राज्य में अब तक कुल 311,117 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही संक्रमण के 193 नए मामले सामने आने से राज्य में इस घातक वायरस ने संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 316,845 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जिनमें से 2,968 रोगी उपचाराधीन हैं। नए मामलों में जयपुर में 30, कोटा में 24, नागौर में 22, अलवर में 21, जोधपुर में 11 व भीलवाड़ा में 10 नए संक्रमित शामिल हैं।